देखो क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो एक कॉलोनी है उस कॉलोनी में एक पार्क है जो कि सर्कुलर शेप का है अब अब वो जो सर्कुलर शेप का का पार्क है है उसका रेडियस 20 मीटर का है। अब तीन लड़के हैं एक है अंकुर दूसरा है सैयद और तीसरा है डेविड ये तीनों उस पार्क के यानी कि उस सर्कुलर पार्क के सर्कल के बाउंड्री में बैठे हुए हैं लेकिन इक्वल डिस्टेंस में बैठे हैं जितने दूर में अंकुर से सैयद है उतने ही दूर में सैयद से डेविड है और सैयद अंकुर और डेविड का डिस्टेंस भी सेम है इसके बाद आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये तीनों कोई गेम खेल रहे होंगे ठीक है तीनों के पास में एक टेलीफोन है खिलौना वाला टेलीफोन है जो कि तार से कनेक्टेड है एक दूसरे वायर से कनेक्टेड है तीनों फोन एक दूसरे से और वो लोग लो एक दूसरे से बात कर रहे हैं अब आप ये फाइंड आउट करना है आपको कि ये जो टेलीफोन का जो तार है ठीक है जो अंकुर से सैयद के पास जा रहा है उसका लेंथ कितना है या फिर आप बोल सकते हो कि सैयद से डेविड के पास जा रहा है या डेविड से वापस अंकुर के पास जा रहा है क्योंकि दोनों इक्वल तीनों इक्वल डिस्टेंस में बैठे हुए हैं तो तीनों का जो तार है वो इक्वल लेंथ का होगा एक टेलीफोन से दूसरे में कनेक्टेड होगा दूसरे से तीसरे में तीसरे से फिर से पहले में तो वो जो तार है टेलीफोन का उसका लेंथ कितना ही आपको फाइंड आउट करना है ठीक है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन एक डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं एक कॉलोनी है कोई भी एक कॉलोनी हो सकता है उस कॉलोनी में एक पार्क है जो कि सर्कुलर शेप का है तो अपन एक सर्कल बना लेते हैं पहले यहाँ पर ये एक सर्कुलर पार्क है क्वेश्चन में बोला इसका जो रेडियस है वो ट्वेंटी मीटर का है ठीक है ये सेंटर है अब यहाँ पर तीन लड़के हैं जो इस सर्कल के बाउंड्री पे बैठे हुए हैं और इक्वल डिस्टेंस पे तो यहाँ पर कहीं पर अंकुर बैठा हुआ है इसको अपन ए से डिनोट कर लेते हैं यहां कहीं पर बैठा हुआ है डेविड ठीक है और यहां पर एक जगह कहीं पर सॉरी ये डेविड नहीं है दूसरा नाम दिया हुआ सैयद ये सैयद है और ये है डेविड ये तीनों लड़के एक दूसरे के इक्वल डिस्टेंस में बैठे हुए हैं तो अपन तीनों को अगर आप ज्वाइन कर दोगे यहां पर देखो ये अगर ए से एस एस से डी और डी से ए इन तीनों को अगर आप ज्वाइन करोगे तो यहां पर एक ट्राइंगल फॉर्म होगा और ये जो ट्राइंगल है ये इक्वी लेटर ट्राइंगल होगा क्योंकि तीनों का डिस्टेंस सेम है यहां से यहां का यहां से यहां और यहां से यहां तीनों इक्वल डिस्टेंस में बैठे हुए हैं तो इसे एक चीज पता चल गया कि जो ए एस डी है ये एक एकटरल ट्राइंगल है आपको ये फाइंड आउट करना है देखो इसमें आगे क्वेश्चन में ये बोला है कि इन तीनों के पास एक टॉय टेलीफोन है यानी कि एक खिलौना वाला फोन है जिसे ये लोग खेल रहे हैं ठीक है तो यहां पर देखो इसके पास एक खिलौना होगा यानी कि फोन होगा इसके पास भी एक फोन होगा इसके पास भी एक फोन होगा अब इन तीनों का जो फोन है वो वायर से कनेक्टेड है तो वायर का लेंथ हमको फाइंड आउट करना है वायर का लेंथ कितना होगा यहां से यहां तक का जितना डिस्टेंस है उतना इसका लेंथ होगा तो अगर हम लोग ये फाइंड आउट कर लें कि ए एस का वैल्यू क्या है या फिर एस डी का वैल्यू या फिर डी ए का वैल्यू क्योंकि तीनों तो आपस में इक्वल है इन तीनों में से किसी का भी वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि इनके फोन का जो आ, लेंथ आ, वायर का लेंथ है वो कितना है ठीक है अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो सॉल्व करने के, के लिए सबसे पहले यहां पर अपन कंस्ट्रक्शन करेंगे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ए से एस डी के ऊपर क्योंकि एक ये एक इक्विलेटर ट्राइंगल है ठीक है ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगा तो ये जो नाम दे देते इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ए एम जो परपेंडिकुलर लाइन है इसका वो क्या करेगा इस एस डी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे इसके बाद एक चीज और आपको करना है कि ये जो एस है यहां सेंटर पॉइंट ओ है तो एस से ओ को ज्वाइन कर देंगे अब ये जो एस SO ओ है ये क्या चीज है इस सर्कल का रेडियस है क्योंकि सेंटर से सर्कल के एंड पॉइंट में ज्वाइन हो रहा है तो ये बता दिया आपको कि ये जो सर्कुलर पार्क है ये 20 मीटर का रेडियस है इसका ठीक है तो अपने पास जो जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से अभी ए एस एस डी और डी ए ये तीनों आपस में इक्वल है जिसकी वजह से ये तीनों ये एक एकटर ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है उसके बाद हमने यहां पर एक ए एम कंस्ट्रक्ट किया है जो कि एच के ऊपर परपेंडिकुलर है अब अगर परपेंडिकुलर है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये मीडियन होगा जिसकी वजह से एस और एमडी आपस में इक्वल होंगे अब हम लोग यहां पर कैसे करेंगे देखो हम लोग मान के चलते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है क्योंकि हमको इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है या तो एच का कर लो या डी ए या फिर ए एस इसका लेंथ हमको फाइंड आउट करना है हम लोग मान के चलते हैं इसका लेंथ एस एक्स है ये एक्स है तो अगर ये x है तो ये लेंथ भी x ही होगा और ये लेंथ भी x होगा आप अपन एक काम करते हैं x नहीं लेके 2x लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में आपको ना प्रॉब्लम आ सकता है ठीक है थोड़ा सा लेंद हो जाएगा कैलकुलेशन अगर अपन इसको 2x मान के चलेंगे तो हम लोग का कैलकुलेशन आसान रहेगा ठीक है तो हम लोग x नहीं लेके इसको 2x लेते हैं क्यों ले रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूं देखो ये जो एस एम और एम डी है ये आपस में इक्वल होगा क्योंकि यहां पर बाइसेक्ट हो रहा है तो अगर ये एस डी है टू एक्स तो मैं बोल सकता हूं एस एम जो है वो एक्स हो जाएगा और एम डी एक्स हो जाएगा ठीक है अगर मान लो आप सबको एक्स लेके करते तो यहां पर एस एम को एक्स बाई टू लेना पड़ता और एम डी को एक्स बाई टू लेना पड़ता ठीक है तो जब आप कैलकुलेशन करोगे आंसर लाने के लिए तो वहां पर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा तो उसको ईजी बनाने के लिए अपन इन सब साइड्स को टू एक्स एज्यूम कर लेते हैं लेट ए एस इज इक्वल्स टू एस डी इज इक्वल्स टू डी ए इज इक्वल टू टू एक्स इसको वैल्यू हमने टू एक्स एज्यूम कर लिया अच्छा क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ये तीनों आपस में इक्वल है ठीक है ये भी अपन लिख लेते हैं गिवन अब ये तीनों अगर इक्वल है तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि ये एक एकटर ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं देयर फोर ट्राइंगल ए एस डी इज एन क्विलेट्रल ट्राइंगल अब एक इक्विलेट्रल ट्राइंगल में क्या होता है जब परपेंडिकुलर अपन ड्रॉ करते हैं तो वो जो परपेंडिकुलर है वही उस ट्राइंगल का मीडियन भी होता है मीडियन क्या होता है जो बेस है बेस का मिड पॉइंट को मीडियन बोलते हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर लाइन होता है वही उसका मीडियन होता है तो ये जो मीडियम है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा तो यहां पर लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन अपना कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू एस डी ठीक है अब यहां पर जब ए एम एस डी के ऊपर परपेंडिकुलर है और ए एस डी इक्विलिटर ट्राइंगल है तो क्या होगा एस एम जो है एमडी के इक्वल हो जाएगा एस एम इज इक्वल टू एम डी देर फोर करके आप लिख सकते हो एस एम और एम डी इक्वल हो गया अब हमने यहां पर रेज्यूम कर लिया है कि एस डी जो है वो टू एक्स है एस तो एम का वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा एस एम भी एक्स हो जाएगा और एम डी भी एक्स हो जाएगा कैसे होगा अपन शो कर सकते हैं देखो एस डी इज इक्वल टू एस एम डिवाइडेड बाई टू क्योंकि एस डी का हाफ है एस एम तो ये कितना होगा एस एम हमने एज्यूम किया टू एक्स है डिवाइडेड सॉरी एस एम इज इक्वल टू एस डी बाई टू ठीक है थोड़ा सा करेक्शन देखो एस एम जो है एस डी का हाफ है तो एस एम इज इक्वल टू एस डी बाई टू

एम एस ए एम एस बाई पाइथागोरस थियोरम या यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप लिख सकते हो कुछ भी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है यानी कि ए एस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो बेस है एस एम एस एम का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है ए एम ए एम का स्क्वायर यहां से हम लोग ए एम का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देखो एक्टर ए एस का वैल्यू हमारे पास टू एक्स एक्स का वैल्यू एक्स है तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू का स्क्वायर तो इसका वैल्यू नहीं है तो वैल्यू सॉरी प्लस ए एम स्क्वायर ठीक है एक्स स्क्वायर को मैं इधर ले आता हूं यहां प्लस में है इधर आके माइनस हो जाएगा ये हो गया टू एक्स सॉरी टू को ब्रैकेट ओपन करेंगे टू का स्क्वायर हो गया फोर एक्स का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर और इसको इधर लेके आएंगे यहां प्लस में इधर आके माइनस माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम का स्क्वायर अब यहाँ एक्स स्क्वायर वाले टर्म है दोनों सब्ट्रेक्शन हो सकता है फोर में से वन गया तो बच गया थ्री साइन बड़े का लगेगा तो ये हो गया थ्री एक्स स्क्वायर इज टू ए एम स्क्वायर हम लोग को वैल्यू चाहिए ए एम का यहां वैल्यू है ए एम स्क्वायर का तो इसके ऊपर रूट डाल देते हैं ये हो गया रूट थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम एक्सक्वायर हटाने के लिए हम लोग रूट डालते हैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो थ्री थ्री का स्क्वायर रूट तो नहीं होता है तो यहाँ पर अंडर रूट थ्री लिखेंगे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स आ गया एक्स अगर स्क्वायर में है देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स और ये दोनों एक्स बाहर आ गया सिंगल एक्स बाहर आ गया तो रूट हट गया ठीक है रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू ए एम अब ए एम का वैल्यू हमारे पास आ गया है रूट थ्री एक्स इसका वैल्यू ये पूरा ए एम का वैल्यू रूट थ्री एक्स मैं ऊपर लिख लेता हूं ठीक है अब आगे क्या करना है देखो अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहां पर देखो ये ए एम का वैल्यू रूट थ्री एक्स आया ठीक है थीके? अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे जो छोटा वाला ट्राइंगल हमारे पास में है ओ एस एम इसमें भी हम लोग थ्योरम अप्लाई करके ओ एम का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ओ एम का वैल्यू क्या होगा देखो यहां पर ओ एम का वैल्यू हम लोग यूज करेंगे कैसे करेंगे देखो ओ एम इज इक्वल टू अगर ओ एम निकालना है तो मैं लिख सकता हूं ए एम माइनस ए ओ अब ये जो ए है ये क्या चीज है इस सर्कल का रेडियस है क्योंकि सेंटर पॉइंट से लेकर सर्कल के एंड पॉइंट तक कोई भी लाइन सेगमेंट ज्वाइन होता उसको है उसको अपन रेडियस बोलते हैं क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ये जो सर्कल है ट्वेंटी मीटर का रेडियस का है तो यहां पर ये जो एओ है इसका जो लेंथ है वो है ट्वेंटी मीटर ठीक है तो ओ का वैल्यू क्या होगा ए एम माइनस ए ओ एम माइनस ए ओ पुट करते हैं ए एम का वैल्यू अभी हमने निकाला रूट थ्री एक्स माइनस एओ का वैल्यू ट्वेंटी तो ये ऐसे रहने देंगे ओ एम का वैल्यू ठीक अब इस ट्राइंगल में देखो ओ एस एम इसमें अभी हमने ओ एम का वैल्यू फाइंड आउट किया क्या निकाले हम लोग रूट थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी ये ओ एम का वैल्यू है ठीक है ध्यान से देखते जाओ अब हमारे पास यहां पर इस राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनस का भी वैल्यू है बेस का भी एक वैल्यू है और परपेंडिकुलर का भी वैल्यू है हम लोग क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये जो एक्स है इस x का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे अगर x का वैल्यू मिल गया तो हमको एस एम का वैल्यू मिल जाएगा और अगर SM का मिल गया, तो एम डी का भी मिल गया और अगर इन दोनों का मिल गया तो एस डी का भी वैल्यू मिल गया जिसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है ठीक है तो अब हम ओ एस एम ये भी पर ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इन ट्राइंगल ओ एस एम यूजिंग पाइथागोरस क्या पूरा लिख लेना तो यहां पर देखो हाइपोटे -पर है? है, so, प्लस परपेंडिकुलर या स्क्वायर यानी कि ओ एम का स्क्वायर वैल्यू पुट करते हैं ओ एस का भी वैल्यू अपने पास है ओ एस का वैल्यू ट्वेंटी मीटर है क्योंकि ओ एस इस सर्कल का रेडियस बता रहा है तो ये हो गया ट्वेंटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस एम का स्क्वायर एस एम का वैल्यू हमारे पास है x, x का स्क्वायर तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है यहां पर मैं इसको अलग से सॉल्व कर दे रहा हूं रफ में क्योंकि यहां पर बहुत लंबा हो जाएगा a इसका हो जाता है a माइनस बी का होल uh, स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर टू ए बी तो ए का स्क्वायर करते हैं थ्री एक्स का होल स्क्स बी ट्वेंटी का स्क्वायर माइनस टू ए बी तो टू रूट थ्री एक्स इंटू ट्वेंटी तो ट्वेंटी इंटू टू फोर्टी हो जाएगा इसको देखो रूट थ्री का स्क्वायर रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री हो जाता है एक्स यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस ट्वेंटी का स्क्वायर हो गया फोर हंड्रेड माइनस ट्वेंटी इंटू टू हो गया फोर्टी और ये साथ में रूट थ्री एक्स तो ये जो वैल्यू है इसको अब मैं यहां पर पुट करूंगा ठीक है इसको मैंने रफ में सॉल्व किया आप चाहो तो यहां पर भी कर सकते हो मेरे पास स्पेस का मैं इसलिए नहीं कर रहा था मैं ये रफ में निकाल लिया हूं ये आंसर को मैं यहां पर इसके जगह पुट करूंगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का आंसर ये है तो यहां देखो ट्वेंटी का स्क्वायर ये हो गया फोर हंड्रेड इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर एज इट इज अब इसके जगह ये वैल्यू आएगा यहां पर प्लस का साइन है तो प्लस ये हो गया थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर हंड्रेड माइनस फोर्टी रूट थ्री एक्स ठीक है अब ये देखो ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है यहां पर भी एक न्यूमेरिक वैल्यू है फोर हंड्रेड को इस साइड लाएंगे तो फोर हंड्रेड माइनस फोर हंड्रेड क्योंकि यहां प्लस में यहां के माइनस होगा फोर हंड्रेड माइनस फोर हंड्रेड जीरो होगा आप चाहो तो डायरेक्टली यहां से इस तरह से कैंसिल कर सकते हो ठीक है उसके बाद देखो यहां पर ये एक्स स्क्वायर वाला वैल्यू है एक्स स्क्वायर अभी देखो क्या होगा सॉरी स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर हो गया फोर एक्स स्क्वायर अब ये जो माइनस फोर्टी रूट थ्री एक्स है इसको अगर मैं इस साइड लेके आऊंगा तो प्लस हो जाएगा क्योंकि राइट साइड में है लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस होगा यहां माइनस था तो ये हो जाएगा फोर्टी रूट थ्री एक्स देखो ये एक्स वाला है और ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है दोनों का ना एडिशन हो सकता है ना सब हो सकता है इसलिए एक्स वाले टर्म को मैं इधर ले आया क्योंकि यहां पर माइनस में था तो यहां आगे प्लस हो गया और ये एक्स अपन एक और कर सकते हैं कि ये जो एक्स है इसको अगर मैं राइट साइड भेज दू तो ये हो जाएगा फोर्टी रूट क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हो रहा है थ्री इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स ठीक है ऐसे लिख सकते हैं देखो यहाँ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा ध्यान से देखो आप कैलकुलेशन कैसे हो रहा है इसीलिए मैं यहाँ पर एक्स लेकर सॉल्व नहीं किया हूं अगर एक्स लेता तो ये एक्स बाई टू होता कैलकुलेशन और आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता ठीक है देखो इसको मैं पहले लेफ्ट साइड लेके आया हूं और ये पूरा का पूरा सिंगल टर्म है फोर्टी रूट थ्री एक्स ये पूरा का पूरा सिंगल टर्म है इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है फोर्टी इंटू रूट थ्री इंटू एक्स अब एक्स इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके हम लोग डिवाइड कर सकते हैं

तो x का वैल्यू कितना आया टेन रूट थ्री अब एक्स का वैल्यू आ गया सभी का वैल्यू आ गया x क्या है एस एम एस एम का वैल्यू कितना आया टेन रूट थ्री तो अगर ये वैल्यू टेन रूट थ्री है तो एमडी कितना होगा ये भी टेन रूट थ्री होगा अब अगर इसका वैल्यू है इसका वैल्यू है तो एस डी का वैल्यू निकाल सकते हैं अपन एस डी का वैल्यू क्या होगा एस एम प्लस एम डी तो मैं यहां स्पेस का मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं यहां पर टेन रूट थ्री प्लस टेन रूट थ्री कितना हो जाएगा रूट थ्री रूट थ्री दोनों में एडिशन हो सकता है तो रूट थ्री कॉमन आ गया टेन प्लस टेन हो गया ट्वेंटी रूट थ्री एस डी एस डी का वैल्यू कितना आ गया ट्वेंटी रूट थ्री अगर एस डी का वैल्यू ट्वेंटी रूट थ्री है एडी का वैल्यू भी ट्वेंटी रूट थ्री होगा और ए एस का वैल्यू भी ट्वेंटी रूट थ्री होगा अब ये जो एस डी ए डी और ए एस ये क्या है हम लोगों क्वेश्चन में फाइंड आउट करने बोला है कि ये लोग जो फोन पकड़े हैं उस फोन में ये जो तार लगा हुआ है इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना था तो इसका लेंथ आ गया हमारे पास ट्वेंटी रूट थ्री ये जो यहां से यहां तक का जो फोन है इसका जो तार लगा हुआ है उसका भी लेंथ टू रूट ट्वेंटी रूट थ्री और इन दोनों के बीच में जो फोन है इनका जो तार ज्वाइन किया हुआ है इस तार का लेंथ भी ट्वेंटी ठीक है तो ये हो गया एक्सरसाइज 10.4 का सिक्स क्वेश्चन और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहां पर कंप्लीट हो चुका है नेक्स्ट वीडियो से अपन आगे का पोर्शन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा